रे परमार, किस लिए बुलाया हमको? कॉम्प्रोमाइज के लिए? तूने मेरे दो खास आदमियों को मारा है। हाँ, क्योंकि तुमने हमको मारने की कोशिश की। अभी भी वक्त है, मेरे साथ मिलके काम कर, वरना मेरी लिस्ट में अगला नंबर तेरा है। hey! तुझे क्या लगता है मैंने तुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाया है? तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है, समझा? उदार पंखा। अबे क्या रे पुलिसिए, तूने बोला था इसके 60 आदमी आने वाले हैं, इसके लिए तो मेरा एक ही आदमी बहुत है। चौकी मत परमार सेठ, आपने मुझे पैसे दिए, भियोजी ने मुझे आपसे ज्यादा पैसे दिए, और मैं तो कुत्ता, और डी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये तो आप भी जानते हैं। यही आइडिया मैंने भियोजी को बेचा। साले हराम। ए, तू नहीं, तू जा। साले तेरी तो नहीं। इस बच्चे को लेकर आया हमें मारने के लिए। ए, आजा, आजा, आजा। तुझे अपने गोद में बिठाकर घुमाता हूँ, घुमा। परमार, परमार, परमार। साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ए, तुम्हारी माँ का क्या कर रहे हो तुम? मारो इस साले को। भैया जी, क्या समय है। ए मुन्ना, किधर है तू? तेरे से मिलना था। मुन्ना आधे घंटे में हॉस्पिटल में मिलेगा। तू मुन्ना ले, गोद में बैठ गया, अब चल उधर। अच्छा हुआ गोद में बिठा के दूध पिलाने को बोला होता तो क्या होता। आंख खोल के सुन, मिल जा या मर जा। एक बात और, मेरे मुंह मत लगना, मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं। ओ एल्डू, गोद में बिठा के सोचेगा क्या? चल नीचे उतर।